हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, आप देख रहे हैं पूजा बुटीक का। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बॉक्स फ्रॉक का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो ज़्यादा सिंपल सूट और बॉक्स फ्रॉक में किसी भी फ्रॉक की आप कटिंग करते हैं कोई ज़्यादा मेजरमेंट में फ़र्क नहीं होता है, सब सेम ही होता है। बस ये होता है कि सूट स्ट्रेट होता है और इसमें क्या होता है, घेर आ जाता है हमारे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं तीरा। मैंने आपको मेजरमेंट बताया हुआ है तीरा कैसे लेना है। बिल्कुल नीचे नहीं गिरना चाहिए, आप हाथ लगाएंगे तो यहाँ हमारी एक हड्डी होती है, बिल्कुल ऐसे जहाँ से ये हमारा मोटर डाउन जा रहा है, शोल्डर डाउन जा रहा है, यहाँ से नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेना है। और यहाँ से बिल्कुल ऊपर से नहीं उठाना है, इसको सीधा लेके जाना है। ये देखिए बिल्कुल सीधा लेके आई हूँ, ऐसे ऊपर को नहीं लेके आना है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इनका जो तीरा है वो है 14.5। अब हम लेते हैं इनकी चेस्ट, तो ये है 34.5। अब लेते हैं कमर, तो ये है 27.5। तो फ्रॉक में सिर्फ इतना ही लेना है हमें चाहिए। और अब चाहिए हमें ऊपर से लेके, जब बच्चे की फ्रॉक बनाते हैं तो उसमें हम फ्रॉक बनाते हैं तो उसमें पेटी होती है, ऊपर वाले हिस्से को हम पेटी बोलते हैं, तो वो हम देखेंगे कि कहाँ तक रखनी है। तो ये बिल्कुल कमर से स्टार्ट होती है, तो आप लेके ये चेस्ट से बिल्कुल नीचे, तो ये 14, आप 14 से ही स्टार्ट करें। आप ऐसे इस तरह से मेजरमेंट ले लेंगे जहाँ भी आता है चेस्ट से नीचे, तो ये इनका आता है 14, किसी का 15 भी आता है, तो आप इस तरह से ले लेना। बस इसमें इतनी ही जरूरत होती है, बाकी इसमें होती है लेंथ। तो जहाँ तक आपको फ्रॉक की लेंथ रखनी है वहाँ पे आप कस्टमर से पूछिए कि लेंथ कहाँ तक रखनी है, वहाँ तक आप इसकी लेंथ लिख लेंगे। और स्लीव्स का आपको मेजरमेंट बताया हुआ है, बाकी सब सेम है, कुछ नहीं है, बस इसमें हिप नहीं चाहिए आपको, बस आपको कमर तक ही मेजरमेंट लेना है और फिर इसकी लेंथ लेनी है, बाकी सब सेम है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।